दोस्तों, आज हम 24 आवर्स कैंपिंग चैलेंज के लिए फिर से आ चुके हैं एक खतरनाक जंगल में। नदी से लगे हुए लगभग 50 वर्ग किलोमीटर के इस जंगल में हमारा सामना यहाँ के खतरनाक शिकारी लकड़बग्घे और भेड़िए से भी हो सकता है। साथ ही इस खतरनाक जंगल में सांपों और बिच्छुओं से सावधान रहते हुए हम अपना 24 आवर्स कैंपिंग चैलेंज भी पूरा करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम शेल्टर ढूंढेंगे और फिर कुछ खाने के लिए बनाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक नदी तक जाना है और रात होने से पहले वापस अपने कैंप में आना है। लगभग 1 घंटे इधर उधर घूमने के बाद हमने ऊंचाई पर पेड़ों की छांव में अपना कैंप लगाया। अब हमें आग जलाने के लिए लकड़ी और सूखी घास इकट्ठा करनी है। इस घास को कुसी कहते हैं और ये सूखने के बाद बहुत ही आसानी से आग पकड़ लेती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये घास लगभग 10 से 12 फुट जितनी लंबी हो सकती है। जितना खतरनाक ये जंगल है उतने ही खतरनाक हैं यहाँ के पेड़। यहाँ ज़्यादातर बम्बूल और बबूल की कटीली झाड़ियों वाले पेड़ ही हैं। ऐसे ही एक सूखे बम्बूल के पेड़ को हम सावधानी पूर्वक तोड़कर अपने कैंप फायर के लिए लकड़ी इकट्ठा करेंगे। यह काम आसान बिल्कुल भी नहीं है और थोड़ी सी लापरवाही में भी आपको चोट लग सकती है। अभी लगभग दोपहर के 12 बज चुके हैं और गर्मी और धूप की वजह से हमारे भी 12 बज गए हैं। लकड़ी और घास इकट्ठा करने के बाद अब हम चूल्हा खोदेंगे, जिससे हम अपनी कैंप फायर जलाने के साथ साथ उसमें कुछ खाने के लिए भी पका सकें। तो फाइनली ढेर सारी मेहनत के बाद हमने चूल्हा खोद लिया है। अब इसमें घास को रख कर हम आग लगा देंगे और फिर धीरे धीरे लकड़ियां रखेंगे कि आग अच्छे से जल जाए। जंगल में सरवाइव करने के लिए हमें आग को अपना दोस्त बनाना होगा, क्योंकि अंधेरा तो वैसे भी हमारा दुश्मन ही होता है। फाइनली हमारी कैंप फायर जल चुकी है दोस्तों। अब हम इसमें आमलेट बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले पैन में तेल और प्याज गरम करेंगे। और फिर इसमें अंडा तोड़कर डालेंगे और पकने देंगे।
हमारा आमलेट बनकर तैयार हो चुका है जो बहुत टेस्टी भी है, और ये इतना छोटा था कि हमने इसे तुरंत खत्म भी कर दिया, लेकिन हमारी भूख नहीं मिटी। तो अब हम बनाएंगे बड़ा आमलेट, जिसके लिए पैन में तेल डालेंगे और फिर प्याज डालकर इसको पकने देंगे। अब इसमें 4-5 अंडे तोड़कर डाल देंगे और फिर साथ में इसमें नमक भी डाल देंगे। और अब इसमें ब्रेड लगाकर इसको पकाएंगे। और फाइनली हमारा बड़ा आमलेट बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको खाएंगे और उसके बाद आराम करेंगे। लगभग 1 घंटे आराम करने के बाद अब हम नदी की ओर बढ़ेंगे। गर्मी के मौसम की वजह से आसपास जो भी छोटे बड़े तालाब थे वो सूख चुके हैं। तेज हवाओं में धूप और बादलों के साथ खेलते हुए हम नदी की ओर बढ़ रहे हैं। जंगल हमारे पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जहाँ पर पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े और पक्षी सभी एक साथ रहते हैं और अपने सर्वाइवल के लिए हमेशा जूझते रहते हैं। जंगलों में जहाँ पर मैदानी इलाका होता है, वहाँ पर कीड़े मकोड़े और सांपों का खतरा कम होता है, लेकिन ज़्यादातर शिकारी जानवर खुले मैदान में ही अपने शिकार को टारगेट करते हैं, जैसे शेर, चीता, लकड़बग्घा और भेड़िया। यहाँ पर हमारा सामना लकड़बग्घे और भेड़िए से हो सकता है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। हमें इस जंगल में सिवाय कांटों के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। आइए आपको भी दिखाते हैं तरह तरह के कांटे। फाइनली चलते चलते हमें मैदान के अलावा कुछ टीले भी मिले, जो इस मैदानी जंगल में बिल्कुल पहाड़ों की तरह लग रहे हैं, और इनमें चढ़कर ही हमें पता चलेगा कि नदी अभी कितनी दूर और किस ओर है। एक टीले से चारों तरफ देखने के बाद अब हम दूसरे टीले की ओर जाएंगे और उससे भी चारों तरफ देखेंगे। Thank you.
लेकिन दोनों टीलों से देखने पर भी हमें सभी ओर सिर्फ सन्नाटा ही दिखा। दूर दूर तक किसी इंसान का कोई नामो निशान नहीं है। तभी हमें दूर से नील गाय का एक झुंड आता दिखा और ये एक लाइन में दौड़ते हुए बहुत ही शानदार लग रहे हैं। इनमें से काले वाले डोमिनेंट मेल और भूरे वाले फीमेल और बच्चे हैं। ये नज़ारा देखने में बहुत ही ज़्यादा शानदार लग रहा है। दोनों मेल अपने परिवार के साथ दौड़ लगाते हुए कहीं और खाने की तलाश में जा रहे हैं। जिस टीले पर चढ़कर हम प्रकृति के नज़ारों का लुत्फ उठाने में लगे थे, बाद में पता चला वहीं पर हमारे नाग देवता जी का घर भी है और एक दो नहीं बहुत सारे घर हैं यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर रुककर और ज़्यादा खतरा मोल नहीं लेंगे। हमें यहाँ से नदी का किनारा भी दिख गया है और अब हम नदी की ओर बढ़ेंगे। इस जंगल की नदी में हमें मछलियाँ, कछुए और पानी वाले सांप भी मिल सकते हैं, इसलिए हमें सतर्क रहना होगा। जैसे जैसे हम नदी की ओर बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे हमें पता चलने लगा कि पानी से लबालब भरी नदी गर्मी की वजह से सूख कर ड्राई रिवर बेड में बदल चुकी है। और इसी के साथ हमें थोड़ी निराशा भी हुई, क्योंकि इस बार हम पूरी तरीके से कैंपिंग का प्लान बनाकर आए थे, जिसमें हमको फिशिंग भी करनी थी और नदी के सूखने की वजह से हमारी फिशिंग धरी की धरी रह गई। तभी थोड़ी देर एक्सप्लोर करने के बाद हमें पता चला कि सूखी नदी की तली में ढेर सारी टूटी फूटी सीप पड़ी हैं, जिसके अंदर मोती होता है। और फिर हमें पता चला कि ये ड्राई रिवर बेड पूरी तरह से सीपियों से भरा हुआ है। बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी हमें कोई ऐसी सीप नहीं मिली जिसके अंदर मोती हो। ड्राई रिवर बेड में लगभग एक घंटे चलने के बाद हमें नदी में थोड़ा सा पानी दिखा। इस पानी में हमें कोई मछली तो नहीं मिली, पर एक जिंदा सीप मिली जो चल रही है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसके पीछे पूरी लाइन बनी है। यही इस सीप का रास्ता है, जिसमें चलकर यह धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है। और ये सीप अभी बहुत ज़्यादा छोटी भी है, तो इसमें अभी मोती बना भी नहीं होगा। जंगल की इस ड्राई रिवर बेड में आगे बढ़ते बढ़ते हमें कुछ ऐसी जिंदा सीपें भी मिली जो पानी से बाहर थीं। पानी से बाहर होने की वजह से इसके अंदर का कीड़ा तो मर गया होगा, लेकिन इसमें मोती हो सकती है। हमारे पास अभी दो सीप हैं, एक जिंदा और एक मरी हुई। मरी हुई सीप हमें ज़्यादातर खुली हुई ही मिलती है। इसके अंदर का कीड़ा या तो भाग गया होता है या फिर मर चुका होता है। जिंदा सीप बंद होती है, इसके अंदर कीड़ा होता है और मोती भी हो सकता है। और इसके अंदर हमें मोती भी नहीं मिलता, क्योंकि ये खुली हुई होती है। इसका मोती ज़मीन में गिर कर खो जाता है। और ये जो बंद सीप है, इसको हमने सूखी जगह से उठाया है, तो इसमें मोती हो या ना भी हो, पर इसके अंदर का कीड़ा मर ही गया होगा। हमने जैसे ही इस सीप को तोड़ा, हमें पता चल गया कि हमारा सोचना बिल्कुल सही था। इस सीप के अंदर का कीड़ा मर चुका है, जिसे इन तीन कीड़ों ने खा डाला जो अंदर घूम रहे हैं। नदी की तली में ही हमें कुछ छोटे छोटे शंख मिले, जिन्हें घोंगा कहा जाता है।
पर सूखी नदी की तली में जहाँ जहाँ पर पानी बचा रह गया है वहाँ पर बहुत अच्छी हरियाली है और जलकुंभी के पौधों ने नदी की तली पर प्राकृतिक गद्दे सा बना रखा है। ड्राई रिवर बेड में जलकुंभी के पौधे में लगा ये फूल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। फूल का व्हाइटिश पिंक कलर ग्रीन रिवर बेड में बहुत यूनिक और शानदार लग रहा है। लगभग 1.5 किलोमीटर नदी में घूमने के बाद अब हमें वापस कैंप जाना पड़ेगा क्योंकि धीरे धीरे अंधेरा भी गिरने लगा है और जंगल में रात का अंधेरा बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि रात का अंधेरा होने के बाद जंगल में लगभग हमारी विजिबिलिटी जीरो हो जाती है जिससे हम आसानी से किसी खतरनाक जानवर का शिकार भी बन सकते हैं और कुछ भी ना दिखने की वजह से जंगल में हमारा रास्ता भटकने का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और तो और अंधेरा ज़्यादा होने की वजह से हम 5-10 मीटर से ज़्यादा देख नहीं सकते हैं इसलिए हमें खुद का कैंप भी नहीं मिलेगा तो हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। अभी लगभग शाम के 6:30 बज चुके हैं और कैंप अभी भी हमसे लगभग 1 किलोमीटर दूर बचा है लेकिन लगातार चलते चलते हमारा गला बिल्कुल सूख चुका है तो अब हम यहाँ पर रुककर जल्दी से शिकंजी बनाएंगे और थोड़ा हाइड्रेटेड होने के बाद फिर से कैंप की ओर चलेंगे। तेज हवाओं के बीच शाम को हमने खुले मैदान में आसरा लिया है जिससे हमें किसी शिकारी जानवर का खतरा कम से कम रहे। शिकंजी या शरबत बनाना बहुत ही आसान होता है। इसके लिए सबसे पहले ग्लास में नींबू निचोड़ेंगे और जलजीरा डालेंगे फिर पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और बस इतने में ही हमारी शिकंजी बनकर तैयार हो जाएगी। तो फाइनली दोस्तों हमारी शिकंजी तैयार हो चुकी है जो डिहाइड्रेशन की वजह से बिल्कुल अमृत जैसी लग रही है। अब हम ऊंचाई पर जाकर ये देख लेंगे कि हमारा कैंप किस तरफ है। सब कुछ जल्दी जल्दी निपटाने के बाद भी हमें लगभग 7 बज गए और अब अंधेरा होना तेजी से चालू हो गया है। ऊंचाई पर चढ़ने के बाद हमें कैंप तो नहीं दिखा पर एक गड्ढा जरूर दिख गया। ये जो गड्ढा आप लोग देख रहे हैं ये अपने आप या मिट्टी के धंसने से बिल्कुल भी नहीं बना है बल्कि इसे लकड़ बग्घों ने खोदा है और इस समय हम ठीक उनके घर के ऊपर खड़े हैं। इसे लकड़ बग्घे की भाटी भी कहते हैं। लकड़ बग्घे को ही हाइना कहा जाता है। यह एक बहुत ही खूंखार जानवर होता है और ये आसानी से हम पर भी हमला कर सकता है क्योंकि ये झुंड में होते हैं। और यहाँ पर जगह जगह पड़ी हड्डियाँ देखकर हमारा डर और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है तो हमें बिल्कुल भी देर ना करते हुए जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना चाहिए। जंगल में जैसे जैसे शाम होती है और अंधेरा गिरने लगता है वैसे वैसे जंगल बिल्कुल जाग सा जाता है। सभी जानवर बोलने लगते हैं और कीड़े मकोड़े भी चिल्लाने लगते हैं और अंधेरा होने के साथ साथ ही पक्षियों का चहचहाना भी कम होता जाता है।
तो फाइनली अब हम कैंप पर पहुंच चुके हैं और अपनी पूरी रात यहीं पर बिताएंगे। पूरी रात हम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि हमारा लाइटनिंग सेटअप सही से वर्क नहीं कर रहा था। तो फाइनली सुबह हो चुकी है दोस्तों, और पूरी रात हम बिल्कुल भी सो नहीं पाए क्योंकि सारी रात यहाँ पर हमें सिर्फ तरह तरह के जंगली जानवरों और कीड़े मकौड़ों के गाने ही सुनाई देते रहे, जो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग थे और डरावने भी थे। लेकिन सुबह सुबह की रोशनी और मौसम के साथ ही जंगल का डरावना और खतरनाक माहौल शानदार और सुंदर प्रकृति के रूप में बदल गया। सुबह की रोशनी के साथ ही एक बार फिर इस जंगल ने हमें अपनी खासियत दिखाई। हमें चारों तरफ सिर्फ बम्बूर और बबूल के छोटे बड़े पेड़ ही नजर आ रहे हैं, जिनमें पत्तियों से ज़्यादा तो कांटे हैं। अब हम फिर से आग जलाएंगे क्योंकि हमारी आग बुझ चुकी है और पूरी रात जागने के बाद हमें भूख भी बहुत तेज लगी है। आग जलाने के लिए लकड़ी और घास इकट्ठा करते वक्त हमें समझ आया कि जंगल में दिन और रात में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। जहाँ आप पूरे दिन में जंगल भर में इधर उधर बेखौफ घूमते हैं, वहीं रात के अंधेरे में अपने कैंप के बाहर निकलते ही डर का एहसास होने लगता है। पूरी रात भर हमने जंगल में कई तरह की आवाज़ें सुनी, पर हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि हम बाहर जाकर देखें कि ये किस जानवर की आवाज़ है। खैर, सुबह होने के बाद फिर से हमारी जान में जान आ गई। फाइनली आग जलाने के लिए हमने सूखी घास इकट्ठा कर ली है, अब हम थोड़ी सी लकड़ियाँ भी ढूंढेंगे। अब हमारे पास खाने के नाम पर सिर्फ कुछ सब्जियां ही बची हैं, जिससे हम सूप बनाएंगे, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी किया था और ये बहुत टेस्टी भी बना था। देखते हैं इस बार कैसा बनता है। हम अपना मिक्स वेज सूप बनाने के लिए सबसे पहले चुकंदर, टमाटर, प्याज और धनिया सारी सब्जियों को छोटा छोटा काट लेंगे। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. और फिर इसे हल्के तेल में फ्राई कर इसमें पानी और थोड़े मसाले और नमक डाल देंगे। But even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain.
That's why they say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. तो फाइनली हमारा मिक्स वेज सूप बनकर तैयार हो चुका है दोस्तों, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा लजीज लग रहा है। अब इसे टेस्ट कर देखते हैं कि ये कैसा है। हमारा सूप बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और मसालेदार है। इसे खाने के बाद हमारी भूख थोड़ी शांत हुई और इसी के साथ हमें पूरे 24 घंटे भी हो गए और फाइनली हमने अपना 24 आवर चैलेंज इन वाइल्ड फॉरेस्ट पूरा कर लिया है, जिसमें हमने डर के साथ साथ ब्यूटी ऑफ नेचर को भी एंजॉय किया। तो एडवेंचर से लबालब भरा हुआ हमारा 24 आवर चैलेंज इन वाइल्ड फॉरेस्ट का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी सीरीज में आने वाले और भी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।